हेलो दोस्तों, मेरा नाम भुवनेश शर्मा, आप देख रहे हैं मैच ऑफ प्रॉपर्टी। आज हम स्टेलर वन फेज टू पे आ चुके हैं और सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं। तो ये हनुमान मंदिर गोल चक्कर के पास में आता है, जो कि हनुमान मंदिर गोल चक्कर से आप ATS गोल चक्कर से सेंट्रल नोएडा निकल सकते हैं। अगर आप सेंट्रल नोएडा से आते हैं सेक्टर 78-79 FNG क्रॉस करते हुए, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। ऑन रोड का ये हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है। लोकेशन काफ़ी शानदार है, सेक्टर वन की लोकेशन पे आता है। नियर बाय सोसाइटी की बात करते हैं तो CRC हो गई, जैसे पंचिल हाइनेस हो गई, सुपर डे की कोलेज वन हो गई, ये सारी सोसाइटियाँ आती हैं। और एक स्टेलर अपने आप में एक लैंडमार्क के काफ़ी बड़े बिल्डर आ जाते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हुए हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इन्होंने प्री लॉन्च में फेज टू अपना लॉन्च किया था, बट काफ़ी लोगों को उस टाइम यूनिट मिल नहीं पाई थी, बाद में मिली थी, रेट काफ़ी रिवाइज हो चुका था। तो उसी के अंदर मैं आज यूनिट लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको सैंपल फ्लैट भी दिखाने वाला हूँ। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा आ जाता है 2BHK 2020 स्क्वायर फीट का साइज। पहले ये सर्वेंट आ जाता है, सर्वेंट के साइज की बात करते हैं तो 7x6.5 का साइज आ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, एंड अटैच बालकनी के साथ। तो ये अटैच वॉशरूम आ जाएगा, ये हमारा सर्वेंट रूम हो गया। अब ये मेन एंट्री फ्लैट की स्टार्ट होती है। एंटर करते ही आपको LC में ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस प्रॉपर देखने को मिलने वाला है। ड्राइंग एंड डाइनिंग की बात करता हूँ तो 17x16 का आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस आता है। 2020 का साइज है, 2020 में 3+ सर्वेंट इन्होंने बनाया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ड्राइंग डाइनिंग से अटैच बालकनी भी देखने को मिलने वाली है आपको। डाइनिंग और ड्राइंग प्रॉपर दिया हुआ है। ये आपकी किचन आ जाती है, 2 साइड स्लिप आएगी। किचन के साइज की बात करते हैं तो 10.5x8 की आपकी किचन होने वाली है। तो प्रॉपर आपकी सर्वेंट रूम से अटैच बालकनी रहेगी, तो सर्वेंट की तरफ से भी आप आ सकते हैं। मेन एंट्री होगी, LC में सोफे होगे, इधर आपके डाइनिंग आ जाएगी प्रॉपर। तो प्रॉपर आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस दिया हुआ है। सीलिंग हाइट की बात करते हैं तो 11 फीट की प्रॉपर आपको सीलिंग हाइट देखने को मिलेगी। प्रीकास्ट की ये कंस्ट्रक्शन हो रखी है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये बना रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे टाइल्स, आप देखेंगे 2x3 की इसके अंदर टाइल्स लगा रहे हैं, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी आ जाती हैं। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये आप देखेंगे कॉमन वॉशरूम आ जाता है, जो कि 5x7.5 का साइज होने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको ड्रेसिंग एरिया भी देखने को मिल जाता है। ये वाला स्पेस देखेंगे 5.5x5 का, ये आपका ड्रेसिंग एरिया भी आपको देखने को मिल जाता है वॉशरूम के अंदर। एंड ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो गया। फर्स्ट बेडरूम के साइज की हम बात करते हैं तो हमारा जो साइज आता है 12.5x10 का, अटैच बालकनी के साथ। जिन लोगों ने पहले फ्लैट बुक किए थे या पहले परचेज नहीं कर पाए थे, तो अब उनके लिए ये काफ़ी अच्छा टाइम आ चुका है, क्योंकि इन्होंने फेज टू के जो न्यू टावर थे वो लॉन्च कर दिए हैं। उसके अंदर आपको अवेलेबिलिटी देखने को मिल जाती है। 1260 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है, सबसे छोटे साइज 1220 स्क्वायर फीट है, उससे बड़ा साइज 1800 3BHK और 3+ एडवेंट 2020 स्क्वायर फीट में। ये 3 साइजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो गया अटैच बालकनी के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया है 12.5x10 का। चलते नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। ऑन रोड का ये प्रोजेक्ट है, फुल्ली पेड अप हमारी लैंड आ जाती है। काम स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी स्पीड से काम चल रहा है इसके अंदर। एंड ये हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है। सेकंड बेडरूम के साइज की बात करते हैं, 12.5x10 का आता है, अटैच वॉशरूम एंड अटैच बालकनी के साथ। तो ये आप देखेंगे अटैच वॉशरूम आ जाएगा। वॉशरूम के साइज की बात करते हैं, 5.5x7.5 का आपको साइज देखने को मिलेगा। फिनिशिंग देखेंगे, जैक बार की फिनिशिंग फिटिंग्स करके दे रहे हैं, जो सैनिटी फिटिंग है जैक बार की रहेगी। सीलिंग हाइट 11 फीट की आपको प्रॉपर, आपको 11 फीट की सीलिंग हाइट देखने को मिल जाती है। बालकनी का स्पेस देखेंगे, काफ़ी रनिंग में आपको बालकनी देखने को मिल जाती है, स्पेस काफ़ी अच्छा आ जाता है। ऑन रोड का प्रोजेक्ट है, बिल्डर की बात करते हैं, बिल्डर के बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हुए हैं, फाइनेंशियली साउंड बिल्डर आ जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी है, टाइम से पहले ये डिलीवर्ड करते हैं प्रोजेक्ट। और ये सोसाइटी बना रहे हैं, काफ़ी प्रीमियम सोसाइटी बना रहे हैं। काफ़ी लोगों का ऐसा मानना था कि अभी तक ये अफोर्डेबल बनाते हुए आए हैं, तो ये प्रीमियम सोसाइटी नहीं बना पाएंगे, बट आप आकर के देखोगे तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्रीमियम वाला फील आने वाला है। ये हमारा आ जाता है मास्टर बेडरूम,
मास्टर बेडरूम के साइज की बात करते हैं, 14x10 का मास्टर बेडरूम आता है। ड्रेसिंग एरिया देखने को मिलता है जो कि 7.5x5.5 का रहेगा। वॉशरूम के साइज की बात करते हैं 5.5x7.5 का होने वाला है। जैक बार की सैनिटरी फिटिंग सारी लगा करके दे रहे हैं। टाइल्स की आप फिटिंग देखोगे, कवर्ड की फिटिंग देखो, एकदम आपको अल्टीमेट मिलने वाली है, एकदम आपको प्रीमियम वाला फील आने वाला है। तो आप आकर के देखिए, सैंपल रेडी हो चुके हैं 4BHK का एंड 2020 का, जो कि हमारे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे सैंपल ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। आकर के आप देख सकते हैं किस टाइप की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रहेगी, काम किस स्पीड पे चल रहा है, क्या काम का अपडेट है, बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। बाकी हम प्राइजिंग की बात करते हैं तो 1220 वाला 1.03 CR से स्टार्ट होता है, 1800 square feet वाला 1.15 CR से स्टार्ट होता है, यानी कि 1.5 CR से स्टार्ट होता है, जो कि 2020 वाला साइज है वो हमारा 1.7 CR से स्टार्ट होता है। तो मान के चलिए 2020 वाला जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्टार्टिंग प्राइस आता है 1,70,00,000 रुपये से ये स्टार्टिंग प्राइज है। बाकी आप आकर के देख सकते हैं, मनपसंद आपको यूनिट परचेज सब भी कर सकते हैं। न्यू टावर इन्होंने लॉन्च कर दिया, काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है। एंड इसके अलावा और भी कुछ कह रही हो किसी भी चीज़ को लेकर के, स्क्रीन पे नंबर शो रखा है, कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम आपका कॉल पिक नहीं कर पाते तो व्हाट्सएप ड्रॉप भी कर सकते हैं, डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं, साइड विजिट प्लान कर सकते हैं। तो जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।